Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, जैसे क्या बोलते हैं, वो जल्दी मैच देखने वाला है बिटवीन बॉबी लैशली एंड गोल्डबर्ग फॉर द WWE चैंपियनशिप। अगर ये मैच आप बोल सकते हो कि नॉर्मल मैच से बहुत ही डिफरेंट, पता है ये मैच में हमको दिखने वाला है बिल गोल्डबर्ग जो एक WWE के बहुत ही बड़े लेजेंड है और वो चैलेंज करने वाले हैं बॉबी लैशली को, वो भी WWE के सबसे बड़े चैंपियनशिप के लिए जो है WWE चैंपियनशिप। और बहुत फैंस को लग रहा है कि क्या ये मैच में हमको दिखने वाला है बहुत ही बड़ा टाइटल चेंज और क्या ये मैच में हमको फाइनली गोल्डबर्ग उनका बड़ा गोल कंप्लीट करते हुए दिख सकते हैं और क्या गोल्डबर्ग बन सकते हैं द न्यू WWE चैंपियन। सो गाइस, पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आके, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर WWE और गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली के बड़े वाले फैन हो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। गाइस, पहले हम लोग बात करते हैं कि क्यों गोल्डबर्ग को ये मैच जीतना चाहिए। तो गाइस, वो पता है गाइस, जो गोल्डबर्ग है गाइस, वो तब से WWE में बोल सके रिटर्न किया गाइस, वो बहुत ही कम बार मैचेस हारे हैं। लेकिन गाइस, अगर हम लोग गोल्डबर्ग के लास्ट 3-4 मैचेस देखते हैं गाइस, तो गोल्डबर्ग कितने बार हारे, नहीं बोलते कि लास्ट टाइम जब गोल्डबर्ग आए ड्रू मैकेंजर के सामने वो टाइम भी वो हार गए थे, फिर ब्रॉन स्ट्रोमन के सामने भी गोल्डबर्ग हार गए थे, फिर अंडरटेकर के सामने भी गोल्डबर्ग हार गए थे। और ये सब गोल्डबर्ग की लेगेसी बहुत ही बुरी तरीके से खराब कर रही है। आपको तो पता है गाइस, गोल्डबर्ग का WWE का कॉन्ट्रैक्ट है वो और 2 साल के लिए है, यानी गाइस हमको गोल्डबर्ग और 2 साल तक WWE में रेसल करते हुए दिखने वाले हैं। सो गाइस, अगर WWE को गोल्डबर्ग के लिए और फ्यूचर में बड़े मैचेस बनाने हैं, तो गोल्डबर्ग ऐसे मैचेस हारते रहेंगे तो उनका जो इंटरेस्ट है, जो फैंस में जो इंटरेस्ट है गोल्डबर्ग में गाइस, वो खत्म हो जाएगा और गोल्डबर्ग की लेगेसी बहुत ही बुरी तरीके से खराब होगी। इसलिए गाइस, गोल्डबर्ग को मैच जीतना पड़ेगा। आप बोल सकते हो कि डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी चीज से गोल्डबर्ग को जीतना पड़ेगा, अगर वो मैच क्लीन हारते हैं तो उनके कैरेक्टर को, आप बोल सकेंगे लेगेसी को बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट करेगा। और आपको ये भी पता गाइस, तभी गोल्डबर्ग का मैच हो रहा था अगेंस्ट द फिंड ब्रे वाइट एट सुपर शोरन 2020 गाइस, तो गाइस तभी के वक्त भी गाइस गोल्डबर्ग को ऐसी लगे कि उनका लेगेसी बहुत खराब होगा अगर वो फिंड के सामने हारते, तो इसलिए गाइस WWE ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया, उन्होंने वो मैच में गोल्डबर्ग को जीता। बस ये सेम डिसीजन हमको ये मैच में भी होते देख सकते हैं। पता है गाइस, अगर WWE को गोल्डबर्ग की लेगेसी चालू रखना है, WWE को चाहिए कि गोल्डबर्ग को अच्छे से यूज करे बड़े मैचेस के लिए, उनके और भी कंपनी को फायदा कराए, तो उनको गोल्डबर्ग को बहुत ही कम करना पड़ेगा। क्योंकि वो पता है अगर ऐसे बड़े बड़े स्टार्स हारते बैठे तो उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही कम होती है। ब्रॉक लेसनर का एग्जांपल लो, इस ब्रॉक लेसनर बहुत ही कम हारते हैं, इसलिए गाइस उनके कितने इंटरेस्टिंग मैचअप बनते हैं। रोमन रेंस गाइस, वो कितना कम हारते हैं, उनके इंटरेस्टिंग मैचअप बन रहे हैं। इसलिए गाइस, अगर WWE गोल्डबर्ग को हराते बैठती है तो कोई इंटरेस्टिंग मैचअप बनेगी नहीं और WWE को बिजनेस में बहुत ही घाटा होगा। पता है WWE को सऊदी अरेबिया के लिए गोल्डबर्ग की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, गोल्डबर्ग के बहुत ही ज्यादा फैंस है सऊदी अरेबिया में। अगर सर हारा हुआ गोल्डबर्ग जाकर वहाँ पे रेसल करता है तो गोल्डबर्ग को बहुत ही बुरी तरीके से वापस बोल सकते हो कि उनका लेगेसी खराब हुआ। इसलिए गाइस, हमको पॉसिबल होगी समर स्लैम में मैच जीतेगा WWE, बोल सकते पत्थर रख के एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेटर दिख सकती है और वो गोल्डबर्ग को बनाते हुए दिख सकती है द न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और गाइस, अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।